कीपर नहीं हो ना आप, ऐसे अगर आप धोनी को आई टेल यू, धोनी के अगर आप जैसे पैर देखो, ऋषभ पंत के पैर देखो, और ऐसा लगता है वो पेड़ के तने हैं दो, क्योंकि वो सारी जिंदगी यही किया है कि आपने उठक बैठक, इतना स्ट्रांग आपका लोअर बॉडी हो जाता है कि फिर उसके बाद ना कीपिंग आसानी से होती है 50 ओवर 90 ओवर टेस्ट मैच में। लेकिन अगर आप नेचुरल कीपर नहीं हो, राहुल द्रविड़ से एक बार पूछो भाई कीपिंग की थी वर्ल्ड कप में तो कैसा लगा था, और वो ऐसी ऐसी जगह पे दर्द होता है जहां, अच्छा यहाँ पे भी मसल होती है। राहुल ये केएल राहुल के साथ भी यही हो रहा होगा क्योंकि आसान नहीं है। इनफैक्ट एशिया कप में ही वाज अनफिट, पहला मैच में तो अवेलेबल ही नहीं थे, और हम सब यही कह रहे थे यार बता अभी भी फिट नहीं हुआ, 6 महीने से खेला नहीं है, तो वर्ल्ड कप में क्या होगा, लेकर भी जाना चाहिए क्या? और वहां से अगर आप इसका मतलब मेहनत तो कर रहा था भाई, अगर कीपिंग और बिना मेहनत के कीपिंग होने वाली नहीं है, और सामने अगर आप बुमराह की बॉल पकड़ रहे हो या फिर जाडेजा की पकड़ रहे हो, आई मीन इट्स नॉट इजी यार, तो बिल्कुल तारीफ योग्य बात। और मैं तो एक्चुअली बड़ा खुश हो गया हूँ कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, उन पहलुओं की बात कर रहे हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। देखो भाई क्रिकेट शो भाई एक चीज के बारे में और जो हम बात नहीं कर पा रहे बहुत टाइम से, और उसमें गौतम गंभीर का कोई रोल नहीं है, वो है रोहित शर्मा की कप्तानी। अच्छा हाँ, रोहित शर्मा कप्तानी की बात करो गौतम भाई बुरा मान जाते हैं तुरंत, तो यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि कप्तान की बात, टीम अच्छा खेलती है ये बात है, लेकिन शोएब भाई और आकाश भाई दोनों से मैं बात पूछना चाहूंगा कि कप्तानी वाकई में कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये जो टीम इंडिया की ये जो 9 मैच में 9 जीत जो मिली है उसमें आपको कप्तानी की स्टैंप कितनी दिखाई देती है? शोएब भाई आप बताएं। यार एक तो बात आप ये मानते ही हो कि कप्तान तो वो बहुत अच्छा हो गया है, वो 2 सालों में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गया, उसकी टीम ऐसे जेल इन हो गई है, उसके 4-5 लड़के मिसिंग थे, बॉलर मिसिंग था, बैट्समैन मिसिंग थे, मिडिल ऑर्डर मिसिंग था, वो सारे आ गए जिक्सो पजल की तरह आके जगह पे आके चिमट गए, और चिमट गए जब तो टीम बन गई, और फिर फाइनली बुमराह ने डिसाइड किया कि बॉलिंग एज ए यूनिट हम आपको वर्ल्ड कप जिताएंगे। वो पता नहीं कहाँ से इंडिया ने वो एकदम ही एक चीज उठा ली एशिया कप से, अब आप एज ए बॉलर बॉलिंग यूनिट आप ज्यादा खतरनाक लग रहे हो मुझे। अब मुझे ये लगता है कि देखिए आपकी बॉलिंग मार नहीं खाएगी, अगर आपको 250 भी चेस कर रहा है, 250 को भी रोकना पड़ा तो आप कर लोगे, सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो देखा आपने, हाँ ये बात सच है कि ये 500 रोहित शर्मा मिस कर गया, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, अगर वो चाहता तो वो 50-50 भी कर सकता था, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, ये कोई आम प्लेयर नहीं है रोहित शर्मा, जो पोले होके ये मारता है, मैं आपको एज ए बॉलर बता रहा हूँ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन वर्ल्ड कप वही बंदा जीतता है जिसकी नीयत अच्छी होती है, जिसकी इंटेंट अच्छी होती है, ये वो इंटेंट वाला आदमी है। आप मानो ना मानो, कल अपसेट हो जाए मुझे नहीं पता इसका, यार मैं को फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आई होप कि कल अपसेट ना हो, मैं ये देखना नहीं चाहता ऑनेस्टली, क्योंकि न्यूजीलैंड ही बहुत अच्छा खेलता है, मैं 8 गोल्स फॉर न्यूजीलैंडर्स, यार 50 साल हो गए वो नहीं जीते वर्ल्ड कप, हार्ट गोस फॉर देम यार, पिछला वर्ल्ड कप उनको जीतना चाहिए था, उनका हक था, अब जो ना रहे रीजन हुई मैं छोड़े उस पर नहीं, लेकिन बट जो इंटेंट रोहित शर्मा ने दिखाई अपनी टीम के लिए, जो आसानियां वो पैदा करता है रोहित विराट कोहली के लिए, जो आसानियां वो पैदा करता है शुभमन गिल के लिए, जो आसानियां वो पैदा करता है एज अ कप्तान बॉलर्स के लिए, ये इसकी इंटेंट मुझे लगता है इसको वर्ल्ड कप जिता दी। मैंने हमेशा अच्छे इंटेंट कप्तान, इंटेंट वाले कप्तान को वर्ल्ड कप जीते देखा है, मैंने बहुत बहुत ऐसे कप्तान देखे हैं, बहुत बड़े कप्तान थे रोहित शर्मा से, नहीं जीत सके वर्ल्ड कप, ये इज्जत नहीं मिलती हर खास और आम को भाईजान, ये बड़े बड़े चुने हुए सिलेक्टेड चूजन मान को ना ये इज्जत मिलती है, और घर पे इंडिया में हिंदुस्तान के अंदर और रोहित शर्मा लिफ्टिंग द ट्रॉफी, ही कैनॉट आस्क फॉर मोर, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये ग्लोरी, ये ग्लोरियस मोमेंट, ये सिर्फ उसके पीछे भाग रहा है और ये इज्जत दिलाना चाहता है हिंदुस्तान को, आई होप इसकी नीयत के बदले इसको ये वर्ल्ड कप मिले, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। और इसमें एक्चुअली एक बात से छोटी सी ऐड करूंगा कि ना रोहित शर्मा की कप्तानी में या रोहित शर्मा के जो भी बर्ताव में वो क्या बात नजर आती है कि अपने बारे में नहीं सोच रहा, सेल्फलेस होना बड़ा जरूरी है कि आप ना अपने से आगे टीम को हमेशा रखते हो, कि ये मैं जैसे भी शोएब ने भी कहा मतलब बेवकूफ तो रोहित भी नहीं है ना, 3100 बनाए तो उसे भी आइडिया है कि यार अगर मेरे को मन करेगा इस यहाँ पे अगर 10 खेल गया ओवर तो इसके बाद तो फिर आराम से है, तो हॉलीडे मैं भी पैकेज ले सकता हूं, पर वो नहीं लेता।
क्योंकि उसका खेलने का अंदाज अलग है। इनफैक्ट इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने एक बार करके दिखाया जब जरूरत पड़ी तो, जब इंग्लैंड के सामने जब बॉल मूव कर रही थी आपके टॉप तीन चार आउट हो गए तो उन्होंने 87 रन की पारी खेली, जो मेरे विचार में एक्चुअली इस टूर्नामेंट की किसी भी भारतीय के द्वारा वो सबसे बेहतरीन पारी है। वो रन 87 है, उसमें 100 नहीं बनाए, लेकिन वहां अगर वो 87 ना बनते आपकी टीम के 170 बनते, और 170 में आपकी कैसी भी बॉलिंग आप रखते रहो वो इंग्लैंड मैच जीत जाती थी, और फिर आप ये नॉन शून्य की बात नहीं करते, फिर कहानी कुछ और हो सकती थी। पर रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में भी यही बात है, जो सिमिलैरिटीज हैं कुछ कि किस कप्तान ने ट्रॉफी उठाई, वो कप्तान आगे नहीं था, वो कप्तान हमेशा पीछे की तरफ खड़ा हुआ है। वो ओपनर है तो भी पीछे खड़ा है, वो कहता है टीम तू आगे चल यार। वो धोनी पीछे था तो वो भी पीछे ही खड़ा था, कह रहा तुम करो कोई बात नहीं, जब कुछ नहीं हो पाएगा तो मैं आ जाऊंगा। सो देयर आर सिमिलैरिटीज। तो ये कप्तान एक्चुअली में टीम चलाना मुश्किल होता, आसान नहीं होता, इंडिया पाकिस्तान की तो वैसे ही आसान नहीं होता, लेकिन इसने टीम चलाई भी है, टीम बनाई भी है। बिल्कुल वही कभी कभी लगता है ना, हम लोग भी डिस्कस कर रहे होते हैं, रोहित शर्मा अपना वो कर रहे हैं कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है वहां पे अपना नाम लिख के रख रहे हैं कि भाई साहब ये मैंने रुमाल डाल दिया है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उनका मन होगा, मन सबका करता है, क्योंकि देखिए आप किसी से पूछ के क्रिकेट खेलना नहीं शुरू करते, और आप किसी से पूछ के, किसी को आपको बताने का हक नहीं है कि आपका समय कब खत्म हो गया। आपका मन करता है एज अ क्रिकेटर, आपको सारी जिंदगी एक चीज सिखाई जाती है और आप सीखते रहते हो बार बार कि मैं गिर के उठ सकता हूं, मैं ना चीजें नई लिख सकता हूं, मैं नई कहानी लिखने के काबिल हूं। कोई भी आपको बोले तू ये नहीं कर सकता, वो कहता है नहीं नहीं मैं काम कर सकता हूँ यार। कोई बोले कि रोहित तू नहीं यार T20 तेरा अब हो गया, वो कहता है क्यों हो गया, मैं कर सकता हूँ, मैंने पिछली बार शायद नहीं किया लेकिन मेरे में काबिलियत है। तो वो बात सोच जरूर है, पर आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि रोहित शर्मा के जहन में 2024 का वर्ल्ड कप चल ही नहीं रहा है, वो सोच ही नहीं है। बिल्कुल, इनफैक्ट एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है हमारे पास वो ये है कि उनके जो कोच हैं, जब उनसे बात करी तो उनके जो चाइल्डहुड कोच हैं उन्होंने ये